सो यो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। और इस वीडियो के अंदर हम लोग फाइनली बात करेंगे डिस्प्ले सेटिंग के बारे में। जैसे कि यहाँ पर तुम लोगों के साथ काफी सारे प्रॉब्लम होता है, डिस्प्ले सेटिंग के अंदर तुम लोग अगर थोड़ा सा भी गलती करते हो तो तुम्हारा मोबाइल यहाँ पर हो सकता है लैग करेगा या फिर तुम्हारा गेम प्ले अच्छा नहीं होगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखो, क्योंकि आज इस वीडियो के अंदर मैं तुम्हारे डिवाइस के अकॉर्डिंग तुम्हें डिस्प्ले सेटिंग के अंदर क्या क्या सेटिंग रखना चाहिए सब कुछ एकदम डिटेल में बात करेंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखो ना। और साथ ही साथ अगर तुम्हें वीडियो थोड़ा बहुत भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखना मत भूलना। तो गाइस चलो अब फटाफट बात करते हैं डिस्प्ले सेटिंग के बारे में। तो देखो, अगर तुम यहाँ पर 2GB, 3GB या फिर 4GB रैम वाले डिवाइस यूज करते हो तो तुम्हें यहाँ पर डिस्प्ले सेटिंग के अंदर क्या सेटिंग रखना चाहिए। अगर तुम यहाँ पर स्मूथली गेम प्ले करना चाहते हो बिना लैग के साथ, डिस्प्ले सेटिंग के अंदर जो तुम्हें सबसे पहला सेटिंग देखने के लिए मिलता है ग्राफिक्स सेटिंग, इसको तुम्हें क्या करना है स्मूथ सेट करके रखना है। अगर तुम 2GB, 3GB या फिर 4GB रैम वाला डिवाइस यूज करते हो तो तुम्हें यहाँ पर स्मूथ पर ही खेलना चाहिए, क्योंकि अगर तुम उससे आगे जाओगे यानी स्टैंडर्ड या फिर अल्ट्रा या फिर मैक्स तो तुम्हारा यहाँ पर मोबाइल काफी ज्यादा लैग करेगा। तो ऑब्वियसली तुम यहाँ पर ग्राफिक्स सेटिंग को स्मूथ पर सेट कर लेना। और यहाँ पर जो हाई FPS तुम्हें देखने के लिए मिलता है इसको देखो इनहेंस कर सकते हो तुम, लेकिन यहाँ पर कुछ डिवाइस जो होता है लैग नहीं करता है तो उसी टाइम तुम इसको हाई पे सेट कर लेना। इससे क्या होता है कि जितना ज्यादा तुम्हें गेम के अंदर FPS मिलेगा उतना ही तुम यहाँ पर लैग फ्री गेम प्ले कर पाओगे, और साथ ही साथ यहाँ पर जितना ज्यादा तुम्हें इन गेम FPS मिलेगा उतना गान भी तुम्हारा रिक्वेस्ट नहीं करेगा। क्योंकि गेम के अंदर अगर तुम्हें FPS काफी कम मिलेगा तो ऑब्वियसली तुम्हारा गान वगैरह एकदम खतरनाक रिक्वेस्ट भी करेगा, तो तुम इसका थोड़ा सा मैनेज कर लेना। तुम्हारे डिवाइस के अकॉर्डिंग सेट करना। अगर तुम्हारा डिवाइस थोड़ा बहुत लैग करता है तो तुम यहाँ पर इनहेंस पे सेट करके रख सकते हो, या फिर लैग का प्रॉब्लम उतना ज्यादा नहीं होता है तो तुम इसको हाई पे सेट करके रखना। और नीचे यहाँ पर तुम्हें एक मिनी मैप का सेटिंग देखने के लिए मिलता है जो उतना ज्यादा कुछ खास काम नहीं करता है। यहाँ पर तुम्हें ऑटो सेल को ऑफ करके रखना है, और यहाँ पर नॉर्थ अप और रोटेटिंग दोनों तुम्हें यहाँ पर मिनी मैप देखने के लिए मिलता है। शायद तुम यहाँ पर रोटेटिंग पर ही खेलते हो तो रोटेटिंग पर ही सेट करके रखना। और गन स्लॉट अलर्ट तुम चाहो तो इसको ऑन भी कर सकते हो या फिर ऑफ करके भी रख सकते हो, ऐसा कोई तुम्हें बेनिफिट नहीं मिलता है। बट इसका एक थोड़ा सा बेनिफिट है जो कि यहाँ पर तुम अगर इसको यूज करना चाहते हो तो इसको ऑन करना, तो उसी टाइम क्या होता है कि जिस तरफ से यहाँ पर एनिमी फायर कर रहा है उसी तरफ तुम्हारा यहाँ पर एक एमओ का साइन बन के आएगा, जो देख के तुम पता लगा सकते हो कि एनिमी किस डायरेक्शन पे है। अगर तुम्हें मैप देख के समझ में नहीं आता है तो तुम इसको देख के भी कभी कभार यहाँ पर अंदाजा लगा सकते हो कि एनिमी का डायरेक्शन क्या है। बाकी यहाँ पर बात करते ही, अगर तुम यहाँ पर 6GB रैम वाले डिवाइस यूज करते हो तो देखो यहाँ पर कुछ कुछ डिवाइस जो है यहाँ पर ग्राफिक्स सेटिंग के अंदर अगर तुम अल्ट्रा या फिर अगर तुम मैक्स में गेम प्ले करते हो तो तुम उसी टाइम यहाँ पर मैक्स पे भी खेल सकते हो, लेकिन कुछ डिवाइस जो होता है यहाँ पर स्टैंडर्ड पर भी लैग करता है 6GB रैम होने के बाद भी। क्योंकि देखो यहाँ पर रैम तुम्हारा कितना भी हो, डिवाइस के अंदर जो प्रोसेसर लगा हुआ है वो अगर गेमिंग प्रोसेसर नहीं है तो तुम्हारा यहाँ पर गेम कहीं ना कहीं लैग करेगा, तो तुम उसी के हिसाब से ग्राफिक्स सेटिंग को सेट करना। अगर तुम यहाँ पर 6GB रैम वाली डिवाइस यूज करते हो और अल्ट्रा पे खेलने के बाद अगर तुम्हारा मोबाइल लैग करता है तो तुम उसी टाइम एक काम कर सकते हो, स्टैंडर्ड पे आ जाना, इसमें तुम्हारा गेम वगैरह लैग नहीं करेगा, एकदम स्मूथली गेम तुम प्ले कर सकते हो। और साथ ही साथ अगर तुम 6GB रैम वाली डिवाइस के अंदर गेम प्ले करते हो तो हाई FPS जो तुम्हें यहाँ पर मिलता है इसको हाई करके रखना। और नीचे का सेटिंग तो मैं तुम्हें पहले ही बता दिया तो इसके बारे में अभी और बात नहीं करूंगा। तो देखो यहाँ पर तुम अगर 2GB, 3GB या फिर 4GB या फिर 6GB रैम वाले डिवाइस यूज करते हो तो तुम्हें सेटिंग पता चल गया कि क्या क्या रखना है। लेकिन अगर तुम यहाँ पर मानो कोई 8GB या फिर 12GB रैम वाले डिवाइस यूज करते हो तो तुम्हें ऑब्वियसली ग्राफिक्स सेटिंग को अल्ट्रा पे ही खेलना चाहिए, क्योंकि देखो ये दो रैम वाले डिवाइस जो होता है ये काफी ज्यादा हाई एंड डिवाइस होता है, तो इसमें लैग वगैरह का उतना ज्यादा प्रॉब्लम देखने के लिए नहीं मिलता है। बट यहाँ पर अगर तुम मैक्स में खेलते हो, फ्री फायर मैक्स में खेलते हो तो तुम्हें यहाँ पर अल्ट्रा के बाद और एक सेटिंग देखने के लिए मिल जाएगा जिसका नाम है मैक्स। तुम उसमें भी खेल सकते हो, कोई इशू नहीं है, तुम अल्ट्रा या फिर मैक्स दोनों में खेल सकते हो। और उसके साथ साथ यहाँ पर जो तुम्हें नीचे सेटिंग मिलता है हाई रेस, काफी सारे लोगों को ये समझ में नहीं आता है कि हाई रेस एक्चुअल में काम क्या करता है। देखो यहाँ पर जो हाई रेस है इसका एक्चुअल फुल फॉर्म है हाई रेजोल्यूशन,
मतलब तुम्हें गेम के अंदर रेजोल्यूशन कैसा चाहिए, अगर तुम नॉर्मल पे खेलते हो तो भी ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें रिकमेंड करूंगा हाई पर ही सेट करके रखना। इससे बेसिकली होता क्या है, हर एक चीज तुम्हें प्रॉपर शो होगा, आई मीन तुम्हारे डिस्प्ले के अंदर फुल HD पे शो होगा, जिससे तुम गेम प्ले को और थोड़ा मजे पे ले सकते हो, आई मीन थोड़ा अच्छे से खेल पाओगे। ऑब्वियसली हाई एंड डिवाइस यूज कर रहे हो तो हर एक सेटिंग को तुम्हें या पर अल्ट्रा मतलब हाई पे ही सेट करके रखना चाहिए। और उसके साथ साथ यहाँ पर जो शेडो का सेटिंग है, देखो अगर तुम चाहो तो शेडो को ऑन कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर मैं तुम्हें रिकमेंड नहीं करूंगा कि ऑन करके रखो, क्योंकि मैं 12GB पे खेलता हूँ तो भी यहाँ पर शेडो को ऑन करने के बाद थोड़ा सा लेकी फील होता है मेरे को, और वैसे भी यहाँ पर शेडो उतना ज्यादा काम नहीं करता है, वैसे यहाँ पर पेड़ वगैरह या फिर करेक्टर वगैरह का परछाई बनता है, बस इतना ही इसका काम है। लेकिन अगर तुम्हें पसंद है शेडो वगैरह थोड़ा बहुत पसंद है, जैसे कि मेरे को भी पसंद है, लेकिन उतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं होता है गेम के अंदर, अगर तुम यहाँ पर शेडो को ऑन भी करते हो तो भी उतना ज्यादा फर्क नहीं मिलता है तुम्हें, तो मैं इसको ऑफ करके रखता हूँ। चाहो तो तुम इसको भी ऑन करके रख सकते हो। और साथ ही साथ यहाँ पर जो फिल्टर तुम्हें देखने के लिए मिलता है, बेसिकली ये जो फिल्टर है यहाँ पर तुम्हें 4 फिल्टर देखने के लिए मिलता है, और अगर तुम यहाँ पर अल्ट्रा या फिर मैक्स में खेलोगे, यानी ग्राफिक्स सेटिंग को अगर तुम अल्ट्रा या फिर मैक्स पे रखोगे, तभी तुम यहाँ पर फिल्टर सेटिंग को यूज कर पाओगे, वरना नहीं कर पाओगे। बट यहाँ पर जो 4 फिल्टर तुम्हें देखने के लिए मिलता है, इनमें से तुम्हें जो भी बढ़िया लगता है उसमें सेट करके रख सकते हो। बेसिकली मैं यहाँ पर विविड पे खेलता हूँ, और मेरे को अगर कभी कभी रॉ कलर चाहिए तो मैं यहाँ पर क्लासिक में भी खेलता हूँ, या फिर लास्ट वाला जो है उसमें भी खेल लेता हूँ, कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। तुम जब चाहो इसको चेंज कर सकते हो, इन गेम भी तुम इसको चेंज कर सकते हो। इसके साथ तुम्हारा गेम के अंदर लैग का कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, कभी कभार कुछ कुछ डिवाइस में जो है थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है, वैसे उतना ज्यादा खास प्रॉब्लम इसमें देखने के लिए नहीं मिलता है। और उसके ठीक नीचे तुम्हें यहाँ पर ऑब्वियसली हाई FPS को हाई करके रखना है, क्योंकि तुम यहाँ पर 8GB या फिर 12GB रैम वाले डिवाइस यूज कर रहे हो, तो उसके अंदर तो भाई यहाँ पर लैग का तो प्रॉब्लम नहीं होगा मेरे ख्याल से, तो तुम इसको हाई पर ही सेट करके रखना हाई FPS को। मैं तुम्हें पहले ही बताया, जितना ज्यादा तुम्हें गेम के अंदर FPS मिलेगा उतना ही तुम यहाँ पर स्मूथली यानी लैग फ्री गेम प्ले कर पाओगे, साथ ही साथ यहाँ पर तुम्हारा गान वगैरह भी रिक्वेस्ट नहीं करेगा। और यहाँ पर बाकी नीचे का सेटिंग मैं पहले ही कवर अप कर दिया, क्योंकि देखो ये बाकी का सेटिंग जो भी होता है ये उतना ज्यादा तो काम नहीं करता है गेम के अंदर, वैसे तो थोड़ा बहुत काम है, लेकिन बात कर लिया तो दोबारा बात करके मजा नहीं आएगा। तो गाइस आई होप तुम्हें यहाँ पर तुम्हारे डिवाइस के अकॉर्डिंग हर एक सेटिंग पता चल गया, कि तुम अगर 1GB 2GB 3GB 4GB 6GB 8GB 12GB इनमें से अगर कुछ भी डिवाइस यूज करते हो तो उसके अंदर तुम्हें कैसा ग्राफिक्स सेटिंग को रखना चाहिए, आई मीन कौन सा सेटिंग को ऑन करना है, कौन सा सेटिंग को ऑफ करना है, हर एक चीज तुम्हें पता चल गया होगा। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताना, और साथ ही साथ अगर तुमने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा तो वही फटक से चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकॉन को भी ऑल पे सेट करना मत भूलना। तो गाइस चलो मिलते किसी नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।